किसी होर दी धी भैन दे कमेंट करन तो पहला अपनी धी भैन वाल देखना चाहिए कि कल नू जे किते एदे वाल इदां दी कमेंट आण ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਫੇਕ ਆਈਡੀਸ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾ ਪੜ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਨਾ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਫੇਕ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਡ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਜੋ ਬੈਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਕੀ ਔਕਾਤਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬੈਡ ਕਮੈਂਟਸ ਜਿੰਨੇ ਬੈਡ ਵਰਡਸ ਪਤਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੇਮ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖੀਏ देखो पहली गल मेरा ये मनना है कि जेड़ा असी अपना फेमस होने वास्ते सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं ये अपना प्रॉपरली टाइम वेस्ट है सानू इनकम सोर्स नहीं मिल मतलब जो जॉब मिल भी रही है तो वही 10-20 हज़ार गवर्नमेंट जॉब्स के पिछे धक्के खा रहे हैं ग्रेजुएट पीपल आ जेड़े वो पोस्टमैन वास्ते देख रहे हैं है ना कईयां दी मजबूरी हुंदी है उन्होंने नहीं जॉब मिलती कई मतलब हुण देख रहे हैं अहीं पंजाब च कि बहुत घट है जिन्हों मतलब पढ़िया लिखे वधिया जॉब मिल जाए है ना किसी का भी अपना घर छड्डण नूं जी नहीं करता ठीक है मजबूरी च जांदे ने सोशल मीडिया का टाइम है अजकल हर कोई ना सोशल मीडिया से फेमस होना चाहता है ठीक है इन फ्यूचर कोई मतलब बंद हो जाता है सोशल ऐप या कुछ भी है अपना पूरा फ्यूचर जो स्पॉयल है ठीक है पर उत्ते बहुत सारे अजे वेले लोग भी जो कमेंट्स करते हैं अपनी सलाह देंगे अभी गाला भी कटते हैं एक भी चीज आती है यूथ जी फॉरन कंट्री वाल बहुत ज्यादा जा रही है देखो जब तक उन्होंने मतलब यूथ नूं इत्थे प्रॉपर अपनी जॉब्स नहीं मिलनगियां इनकम सोर्स नहीं मिलेगा ठीक है अपने आप में वो वेल सेटल्ड नहीं समझणगे जब तक इत्थे नहीं मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा यूथ बाहर जाए तुहानूं नहीं लगता भी जे सानूं कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो सानूं स्क्रॉल अप कर देना चाहिए बजाय उत्ते अपनी राय देण जे हुण आपां नूं लाइफ च अपने इहो जिहे कई सिचुएशन आ जांदियां जिन्हां नूं असीं नहीं टैकल कर पा रहे है ना असीं सिंपली की करदे हां कि उन्हां नूं इगनोर करन दी कोशिश करदे हां कि असीं कुछ कोई नैक्सट मूव कर लईए किसी दी पर्सनल लाइफ च जाके कुछ बोलना बिल्कुल ही मतलब एक तो लॉ के खिलाफ भी है ठीक है और दूसरा एक इनसेंसिबल गल है कि नहीं करनी चाहिए जिन्होंने नहीं जॉब मिल रही कोई ना कोई इनकम सोर्स लभ रहे हो ठीक है वो अपना कमाई का साधन बना रहे हैं तो सानू इग्नोर करना चाहिए और जो मर्जी करें नवदीप कौर मैं बेसिकली गुरदासपुर तो हाँ फिलहाल मैं मोहाली तीन फेस रह रही हूँ अच्छा इतने की करते हो मैं स्टडी करती हूँ डॉक्टर नर्स कुछ फिजियोथेरेपिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट ओके सो सोशल मीडिया यूज कर दियो यस कितना 20-30% 20-30% मतलब जितना का टाइम मिल गया यूज कर लो है ना सोशल मीडिया का टाइम है अजकल हर कोई ना सोशल मीडिया से फेमस होना चाहता है एक आ चीज़ हो जाती है एक होंगे एक अजे लोग होंगे जो अपनी इनफॉरमेशन शेयर करते जो सानू ईजी हो जाए समझ आ जाए है ना पर उत्ते बहुत सारे अजे वेले लोग भी होंगे जो कमेंट्स करते अपनी सलाह देंगे भी गाला भी कढ़ते बुद्धजीवी जड़े होंगे या कह लो भी वह वेले होंगे उन्होंने की कहना चाहो देखो पहली गल मेरा ये मनना है कि जोड़ा असी अपना फेमस होने वास्ते सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं ये अपना प्रॉपरली टाइम वेस्ट है ठीक है इन फ्यूचर कोई मतलब बंद हो जाता है सोशल ऐप या कुछ भी है अपना पूरा फ्यूचर जो स्पॉयल है ठीक है और रही गल कमेंट करने वालों की तो धियां भैणा सब दे घर है ठीक है किसी होर दी धी भैन दे कमेंट करन तो पहला अपनी धी भैन वाल देखना चाहिए कि कल नूं जे किते इहदे वाल इदां दी कमेंट आण तो उन्होंने की फील होएगा सेम जिन्हां धियां भैणां लई ओह करदे पए ने उन्हां दे माँ प्यो भैण भरा ठीक है धियां भैणां नूं नहीं लग रहा उन्होंने नहीं फील हो रहा होएगा वो चीज़ कि वो इग्नोर कर रहे होंगे है ना बट उन्होंने भैन भरा माँ प्यो कितने ना कितने चीज़ में फेस कर रहे हैं है ना उन्होंने ए अपनी इज्जत का खतरा लग रहा उत्थे तो इन्होंने सोचना चाहिए कि सेम साडियां धीआं भैणां भी हैगियां आ तां असीं उस चीज़ नूं इमेजिन करके फिर कमेंट लिखिए अच्छा थोनू नहीं लगता भी जे सानू कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो सानू स्क्रॉल अप कर देना चाहिए बजाय उत्ते अपनी राय देने ऑब्वियसली है ना कॉमन जी गल है जे हुण आपां नूं लाइफ च अपने इहो जिहे कई सिचुएशन आ जांदियां जिन्हां नूं असीं नहीं टैकल कर पा रहे है ना असीं सिंपली की करदे हां कि उन्हां नूं इगनोर करन दी कोशिश करदे हां कि असीं कुछ कोई नैक्सट मूव कर लईए और सेम चीज़ उस ते कर लो जो चीज़ नहीं पसंद आ रही उन्हें स्क्रॉल कर दो अच्छा जिहड़े ये कमेंट्स करते आ मोस्टली फेक आईडीज़ तो करते हैं है ना तो जो उन्होंने फ्रेंड्स ना पढ़ लैन कि वो लोगों के लिए की शब्दावली यूज़ कर रहा है ना तो की लगता भी जिहड़े बंदे जिहड़े लोग होंगे दिमागों फ्रस्ट्रेट हुए होंगे या फिर इन्हें वेले होंगे इन्होंने को कुछ करन नूं नहीं होंदा देखो ये तो अपने अपने मतलब उन्होंने जो उन्होंने रूटीन है डेली रूटीन उत्ते डिपेंड करता है
बाकी रही गल फेक आई डी बना के कमेंट करन दी, तां मतलब उन्हां नूं जे अपनी इज्जत दा इन्ना खतरा आ कि असीं बैड वर्ड्स यूज करांगे तां साडे फ्रेंड सर्कल च साडी बेइज्जती हो रही है, तां ओह उन्हां नूं इह चीज़ सोचनी चाहीदी कि जिहदे वास्ते असीं बैड वर्ड यूज़ कर रहे हैं तां ऑब्वियसली उहदी वी बेइज्जती हो रही है। हो सक कईआं दी मजबूरी हुंदी है, उन्हां नूं नहीं जॉब मिलदी, कई मतलब हुण देख रहे हैं अहीं पंजाब च कि बहुत घट है जिन्हां नूं मतलब पढ़िया लिखिया नूं वधिया जॉब मिल जाए, है ना, जिन्हां नूं नहीं जॉब मिल रही कोई ना कोई इनकम सोर्स लभ रहे ने, ठीक है, वह अपना कमाई का साधन बना रहे, तो सानूं इग्नोर करना चाहिए और जो मर्जी करन किसी की परसनल लाइफ जाके कुछ बोलना बिल्कुल ही मतलब एक तो लॉ के खिलाफ भी है, ठीक है, और दूसरा एक इनसेंसिबल गल है कि नहीं करनी चाहिए, वो क्योंकि टाइम वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ वो अपना, ठीक है, उन्होंने अपना खुद का टाइम वेस्ट हो रहा है और वो अपनी छवि भी इदा की बना रहे हैं कि कोई भी उन्होंने पसंद नहीं करे सोसाइटी के, ये चीज़ हो जाती है। बाकी आपको अपना है कि हाँ आप मतलब अपने मैंटल स्टेट पर डिपेंड करता है, सिंपली जी जो असी खुद बारे सोचते हैं उही असी दूसरे बारे सोचेंगे, जो बैड कमेंट कर रहे हैं खुद बारे भी उन्ना की ही सोच रहे हैं कि उससे की औकात देने, वो भी ठीक है, वो भी उन्ना की सोच रहे हैं कि हाँ असी भी इतने की हाँ, जिन्हें बैड कमेंट्स जिन्हें बैड वर्ड्स पता है थोड़ा तुम यूज कर रहे हो मीनस तुम वो चीज़ हो उस लैवल ही हो तो तुम यूज कर रहे हो, नहीं है जो पढ़े लिखे ने जिन्होंने पता है रिस्पोंसिबिलिटीज का वो ये सब चीज़ें इग्नोर कर रहे। एक भी चीज़ आती भी यूथ जी फॉरन कंट्री वाल बहुत ज़्यादा जा रही है, वो इतने रुक नहीं रही है, उन्होंने बारे की कहना चाहिए? देखो जब तक उन्होंने मतलब यूथ में इतने प्रॉपर अपनी जॉब्स नहीं मिलनगियाँ, इनकम सोर्स नहीं मिलेगा, ठीक है, अपने आप में वेल सैटल्ड नहीं समझणगे जब तक इतने नहीं मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, यूथ बाहर जाएगा। तुम कभी सोचा? मेरा खुद का बाहर का प्लान है क्योंकि पता है कि इतने प्रॉपर मतलब सानू इनकम सोर्स नहीं मिल, मतलब जो जॉब मिल भी रही है तो वही 10-20 हज़ार नहीं मिल रही सानू, मतलब उस हिसाब से पे नहीं किया जा रहा, गवर्नमेंट जॉब्स के पिछे धक्के खा रहे हैं, ग्रेजुएट पीपल आ जेडे वो पोस्टमैन वास्ते देख रहे हैं, है ना, पीएन वास्ते भर्तियां देख रहे हैं ना कि कोई इनकम सोर्स मिल जाए, जो सानू नहीं पंजाब जब तक प्रॉपर नहीं मिलेगा जब तक सारे बच्चे बाहर जाएंगे, जब पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर हो जाएगी वधिया मतलब बन जाएगा, प्रॉपर जॉब्स मिलनगियाँ, प्रॉपर पे होएगा, तो ऑब्वियसली यूथ बाहर जाने की जरूरत नहीं, किसी का भी अपना घर छड्डन जी नहीं करता, ठीक है, मजबूरी जाते हैं फिर उत्थे उन्होंने सैटल होना पैंदा है क्योंकि पता है पंजाब फिर उन्होंने आके दोबारा इनकम नहीं मिलनी, उन्हों का घर नहीं चलना, है ना, कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गलबात कर, थैंक यू सो मच। सत्या की नाम है थोड़ा? नवदीप कौर। कितों आए हो? मैं बेसिकली गुरदासपुर तो हाँ, फिलहाल मैं मोहाली 3 फेज़ रह रही हूँ। अच्छा, इतने की कर रहे हो? मैं स्टडी कर रही हूँ। स्टडी कर रहे हो? डॉक्टर, नर्स, कुछ? फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट, ओके। सो सोशल मीडिया यूज़ करते हो? यस। इन्फॉर्मेशन शेयर कर दे जो सानू ईजी हो जाए समझ आ जाए, है ना, पर उत्थे बहुत सारे अजे वेले लोग भी होंगे जो कमेंट्स करते अपनी सलाह देंगे गालां भी कढ़दे आ, बुद्ध जीवी जो होंगे या कह लो भी वेले होंगे लोगों की कहना चाहोगे? देखो पहली गल मेरा ये मनना है कि जेड़ा असी अपना फेमस होने वास्ते सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं ये अपना प्रॉपरली टाइम वेस्ट है, ठीक है, इन फ्यूचर कोई मतलब बंद हो जाता है सोशल ऐप जां कुछ भी है अपना पूरा फ्यूचर जेड़ा स्पॉयल है, ठीक है, और रही गल कमेंट करन वालियां दी तां धीआं भैणां सब दे घर हैगियां आ, ठीक है, किसी होर दी धी भैण ते कमेंट करन तों पहलां अपनी धी भैण वाल देखना चाहिए कि कल नूं जे किते इहदे वाल इदां दी कमेंट आण तो उन्होंने की फील होएगा, सेम जिन्ना धीआं भैणां लई करते पे ने उन्होंने माँ प्यो भैन भरा, ठीक है, धीआं भैणां नूं नहीं लग रहा उन्होंने नहीं फील हो रहा होएगा वह चीज़ कि वह इग्नोर कर रहे होंगे, है ना, बट उन्होंने भैन भरा माँ प्यो कितने ना कितने वो चीज़ में फेस कर रहे हैं, है ना, उन्होंने ए अपनी इज्जत का खतरा लग रहा उ, तो इन्हों सोचना चाहिए कि सेम साडियां धीआं भैन भी है तो असी उस चीज़ को इमेजिन करके फिर कमेंट लिखिए। अच्छा, थानू नहीं लगता भी जे सानू कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो सानू स्क्रॉल अप कर देना चाहिए बजाय उत्ते अपनी राय देन दे? ऑब्वियसली, है ना, कॉमन जी गल है, जे हुण आपां नूं लाइफ च अपने इहो जिहे कई सिचुएशन आ जांदियां जिन्हां नूं असीं नहीं टैकल कर पा रहे, है ना, असीं सिंपली की करदे हां कि उन्हां नूं इग्नोर करन दी कोशिश करदे हां कि असीं कुछ कोई नैक्सट मूव कर लईए, और सेम चीज़ उस ते कर लो जो चीज़ नहीं पसंद आ रही उन्होंने स्क्रॉल कर दो। अच्छा, जेडे ये कमेंट्स करते हैं मोस्टली फेक आईडीज़ तो करते हैं, है ना, ता जो उन्होंने फ्रेंड्स ना पढ़ लैन कि वो लोगों के लिए की शब्दावली यूज कर रहे हैं, है ना, तो की लगता है भी जेडे बंदे जेडे लोग होंगे दिमागों फ्रस्ट्रेट हुए होंगे या फिर इन्हों वेले होंगे इन्होंने कुछ करन नहीं होंगे?
देखो ये तो अपने अपने मतलब उन्होंने जो उन्होंने रूटीन है डेली रूटीन उत्ते डिपेंड करता है। बाकी रही गल फेक आई डी बना के कमेंट करन दी, तां मतलब उन्होंने जो अपनी इज्जत का इन्ना खतरा आ कि असं बैड वर्ड्स यूज करांगे तो साडे फ्रेंड सर्कल साडी बेइज्जती हो रही है, तो वह उन्होंने ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जिदे वास्ते असं बैड वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो ओबियसली वो भी बेइज्जती हो रही है। हो स कई की मजबूरी होंगी है, उन्होंने नहीं जॉब मिलती, कई मतलब हम देख रहे हैं पंजाब कि बहुत घट है जिन्होंने मतलब पढ़िया लिखे वधिया जॉब मिल जाए, है ना, जिन्होंने नहीं जॉब मिल रही कोई ना कोई इनकम सोर्स लभ रहे हो, ठीक है, वह अपना कमाई का साधन बना रहे, तो सानू इग्नोर करना चाहिए जो मर्जी करन। किसी की पर्सनल लाइफ से जाके कुछ बोलना बिल्कुल ही मतलब एक तो लॉ के खिलाफ भी है, ठीक है, और दूसरा एक इनसेंसिबल गल है कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टाइम वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ वो अपना, ठीक है, उन्होंने अपना खुद का टाइम वेस्ट हो रहा है और वो अपनी छवि भी इदा की बना रहे हैं कि कोई भी उन्होंने पसंद नहीं करे सोसाइटी के, ये चीज़ हो जाती है। बाकी आपको अपना है कि हाँ आपू मतलब अपने मैंटल स्टेट पर डिपेंड करता है सिंपली जी, जो असी खुद बारे सोचते हैं वही असी दूसरे बारे सोचेंगे, जो बैड कमेंट कर रहे हैं वो खुद बारे भी उन्ना ही सोच रहे हैं कि अस उससे की औकातते हैं वो भी, ठीक है, वो भी उन्ना ही सोच रहे हैं कि हाँ असी भी इतने की हाँ, जिन्हें बैड कमेंट्स जिन्हें बैड वर्ड्स पता है थोनों तुसी यूज़ कर रहे हो मीनस तुसी वो चीज़ हो उस लैवल च ही हो तो तुसी वो यूज़ कर रहे हो, नहीं है जेडे पढ़े लिखे ने जिन्हें पता है रिस्पोंसिबिलिटीज़ का वो ये सब चीज़ें इग्नोर कर रहे। एक भी चीज़ आती है यूथ जी फॉरन कंट्री वाल बहुत ज़्यादा जा रही है, वो इतने रुक नहीं रही है, उन्होंने बारे की कहना चाहिए? देखो जब तक उन्होंने मतलब यूथ में इतने प्रॉपर अपनी जॉब्स नहीं मिलनगियाँ इनकम सोर्स नहीं मिलेगा, ठीक है, अपने आप में वेल सैटल्ड नहीं समझणगे जब तक इतने नहीं मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा यूथ बाहर जाए। कभी सोचा? मेरा खुद का बाहर का प्लान है क्योंकि पता है कि इतने प्रॉपर मतलब सानू इनकम सोर्स नहीं मिल, मतलब जो जॉब मिल भी रही है तो वही 10-20 हज़ार उस नहीं मिल रही सानू, मतलब उस हिसाब से पे नहीं किया जा रहा, गवर्नमेंट जॉब्स के पिछे धक्के खा रहे हैं, ग्रैजुएट पीपल आ जिहड़े वो पोस्टमैन वास्ते देख रहे हैं, है ना, पीएन वास्ते भर्तियां देख रहे हैं ना कि कोई इनकम सोर्स मिल जाए, जो सानू नहीं पंजाब जब तक प्रॉपर नहीं मिलेगा जब तक सारे बच्चे बाहर जाएंगे, जब पंजाब की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर हो जाएगी वधिया मतलब बन जाएगा प्रॉपर जॉब्स मिलनगियाँ प्रॉपर पे होएगा तो ऑब्वियसली यूथ में बाहर जाने की जरूरत नहीं, किसी का भी अपना घर छड्डन जी नहीं करता, ठीक है, मजबूरी च जाते हैं फिर उत्थे उन्होंने सैटल होना पैंदा है क्योंकि पता है पंजाब फिर उन्होंने आके दोबारा इनकम नहीं मिलनी, उन्होंने घर नहीं चलना, है ना, कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गलबात कर, थैंक यू सो मच।